देखो भाई ठीक है, आज फिर जब बने फिर हम गई तो कहते हैं आप नया भाई आ जा, आप वहीं पढ़ते हैं गुरु नानक में, वहाँ रहते हैं मम्मी रहते हैं इनके मम्मी। आज ये कम हो गए थे क्या, शायद है दो कम हो गए आज, है ना दो बड़े दिन हैं, चलो देखना है चिल के आ रहा है, मैं ठीक ही चल रहा नहीं काम धाम है, चलो सोल्व करना है भाई, किसका सोल्व करेंगे इसको, करीब दिखाऊँ थोड़ा सा, देखो भाई ये क्या चीज़ है ये बताया था मैंने, सिग्मा का क्या मतलब होता है, समेशन ये जोड़ है, इनके जोड़ है कहाँ से कहाँ तक का जोड़ है, जीरो से अंदर यानी पहले क्या वैल्यू रखूँ आर की, जीरो फिर वन टू थ्री अब टू कहाँ तक रखूँ एन टू, और सब क्या कर लूँ प्लस कर लूँ, ये तो बताया था ये वहाँ की है, जैसे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला निकलता है क्या निकाल देते हैं, सिग्मा एफ एक्स अपोज सिग्मा एफ, पढ़ा होगा ये, मतलब एफ एक्स का जोड़ कर देते अच्छी ठीक इसी तरह से ये वी सिग्मा है, तो क्या आएगा बोलो एन सी जीरो प्लस बोल लो क्या आ जाएगा कि साइन जीरो एक्स प्लस कॉस n माइनस जीरो यानी कोई भी नंबर अगर जीरो जैस में माइनस करते हैं तो क्या आता है हमेशा जीरो आएगा, वो सेम नंबर है भाई, जिसका फाइव माइनस जीरो फाइव, एक्स माइनस जीरो सेम नंबर आएगा, यहाँ रखेंगे ना क्या कोस एन एक्स प्लस क्या आएगा बोलो एन सी वन आर की वैल्यू बोल दो साइन वन एक्स को लिखा नहीं करता, साइन एक्स लिखने में खाली है भाई, आगे कॉस एन माइनस वन एक्स आगे हैं एन सी टू साइन टू हैं साइन टू एक्स और आगे कॉस एन माइनस टू एक्स कॉस एन माइनस टू एक्स और आगे हैं क्या कह रहे एन सी थ्री क्या कह रहे एन फोलो एन सी फोर आएगा अच्छा एन सी वो भी कर लेंगे लोग एक बार बोलिए एन सी थ्री क्या आ जाएगा साइन थ्री एक्स कॉस एन माइनस थ्री एक्स आवाज तो आगे सवाल मतलब एंड सो लास्ट में क्या आएगा भाई एन एन सी एन आगे साइन साइन एन एक्स और आगे क्या आएगा एक्स आएगा कॉस जीरो एक्स आएगा और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है भाई फिलहाल ने कोस जीरो एक्स ही लिख दो ठीक है लिखते इससे पहले क्या आएगा यार अगर मैं इसका ये कोई मेरा मन चाह इससे पहले भी लिख दूँ मन तो चाहे कुछ भी चाह जा नहीं चाट को पकौड़ी को कुछ भी चाह जा मन तो चाहता नहीं है नहीं तो अभी मेरा कहना कि मैं इससे पहले लिखना चाहूँ क्या आएगा एन सी एन माइनस हाँ एन
सी एन माइनस वन साइन साइन एन माइनस वन एक्स भी तुमने कहा देखो ये भी ये ध्यान रखो और आगे क्या आएगा फिर आगे है क्या आएगा कोस माइनस हाँ तुम्हारे समझ में नहीं आया कहाँ से आ रहा आगे कोस माइनस है हाँ आगे तुम्हारी समझ आया बोलो भाई आप कैसे समझ आया कोई बात नहीं देखो इन्होंने यूँ कहा देखो किसी को नहीं आया देखो यहाँ तीन है तो यहाँ एन माइनस तीन आ रहा यहाँ दो है तो एन माइनस दो आ रहा एक है तो एन माइनस एक आ रहा ठीक है तो बच्चों की तरह लड़े लगा रखा इसने ये है तो एन माइनस जीरो आ रहा बच्चों की तरह लड़े लगा रखा इसने है कुछ भी नहीं है या अगर यूँ भी नहीं समझ आता भाई इससे ठीक एक पहले ये एन में एन से पहले क्या आएगा एन माइनस वन साइन एन है तो एन से पहले क्या आएगा ये एन माइनस वन लेकिन ये कोस की पावर जो है बढ़ती चली जा कोस की पावर क्या हो जाए भाई बढ़ती चली जा यही है अगर बाइनोमियल थ्योरम की यही पहचान है बाइनोमियल थ्योरम के लिए कितने टर्म्स होने चाहिए टू टर्म्स होने चाहिए एक की पावर क्या हो जाएगी घटती चली जा दूसरी पावर क्या हो जाए बढ़ती चली जा यही तय फॉर्मूला तो अब ये यूँ कहना चाह रहे हैं कि ये है कितना आएगा ये कोस जीरो एक्स है कोस जीरो एक्स कब आया था ये क्या क्या रखे आया था कोस जीरो एक्स यहाँ रखे एन माइनस एन है ये तो रखे आया था ये तो कोस जीरो एक्स आता है यहाँ लास्ट पहले में एन भी टर्म सी है एक्स अब ये कह रहे हैं इससे पहली क्या आएगी एन से पहले क्या होगी सी है एन माइनस ये क्या आएगा cos युगल तुम n माइनस एन प्लस वन एक्स इस n से तो cos वन एक्स क्या आ गया cos वन एक्स अब वन को लिखा जाता है cos x आएगा क्या आ गया यहाँ ये cos x आगे बात इससे पहले एक और चीज आ जा मेरे लिखने के लिए यार हाँ क्या आएगा समझ में नहीं आप अब आगे सुने भाई बोलो अब भी नहीं सुने अब क्या आएगा देखो तुम्हारे क्या कह रहे थे तुम कह रहे थे कोस माइनस एक्स आएगा कोस माइनस जब भी ठीक था है कोस माइनस थीटा कोस के जितने भी एंगल होंगे माइनस उनकी वैल्यू क्या होती है हमेशा प्लस की होती है जब भी कोस एक्स आ जाता है इसीलिए गलती से सही हो गया था प्लस का है ठीक नहीं है उसका इसलिए लग गया था काम काम कर चाहिए था इससे पहले क्या आएगा भाई इन्होंने पढ़ा नहीं आज तो पहले दिन तो फिर से नहीं अब तो आ जाएगा मैं एक फॉर्म में बता दूँगी जिसमें लगता गया है कॉम्बिनेशन है क्या चीज़ है अभी बता रहा मैं फिर ठीक हो जाएगा क्यों सोच लो कि बस यही लग रहा है मैं एनसीएन क्या चीज़ है इसके बाद में वही बता रहा एक फॉर्म में तो रट लूँगे तोते की तरह बहुत से रट लो उससे काम उसकी जरूरत है नहीं कॉम्बिनेशन में ये क्या आएगा ये सीरीज से तो लग रही होगी यार सीरीज तो बच्चों की तरह तो साइकिल से चल रही है तो समझ में आ रही होगी तीन दो एक ये तो यार यूनिट से मारी इतना तो रट रहा है इतना ही रट रहा है ये क्या आएगा एन इससे पहले क्या आएगा एन सी एन माइनस टू ये तो बात समझ आ गई होगी यहाँ से कितना आएगा ये देखो साइन एन एक्स साइन एन माइनस वन यहाँ कितना आएगा साइन एक तुम्हारे पास आ रहा है ये तो कह रहा नहीं रहे समझ में क्यों नहीं आ रहा नहीं आने बहुत अच्छा समझ में आ रहा देखो ये कोस यू एक्स कोस एक्स क्या आ गया कोस स्क्वायर हाँ तो बात समझ आ गई अच्छा कोई नई बात सुनी आई ये तो तुम्हारी बात समझ आ गई होगी मान लिया इसका सम जो है एस के बराबर है मेरा जी शाह कुछ याद रखिए देखो अब ये साइन जीरो एक्स की वैल्यू कितनी हो भाई साइन जीरो की वैल्यू जीरो कोस जीरो की वैल्यू बनो ठीक बताया था तो ये भाई साहब तो खत्म हो जाएंगे जीरो की भी चीज़ें मल्टीप्लाई करके आता है खत्म अब क्या आ जाएगा ये भाई साहब आ जाएंगे क्या जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा ये आ जाएगा क्या बचा बोलने के बाद एन सी वन बोलो एन सी वन
एम सी वन साइन एक्स कॉस एन माइनस वन एक्स एम सी टू साइन टू एक्स कॉस एन माइनस टू एक्स प्लस एम सी थ्री साइन थ्री एक्स साइन एन माइनस थ्री एक्स एम टू ये वाला भाई साहब क्या आ जाएंगे एन सी एन साइन एन एक्स सर फोर जीरो की वैल्यू वन है इससे पहले क्या आ जाएगा ये वाला कि एन सी एन माइनस वन साइन एन माइनस वन एक्स ये देखो सवाल बड़ा है ये देखो सवाल है तो कुछ नहीं बात तो नहीं कर रहा है देखो ये भी एक्स के बराबर होगा भाई भाई ये भी बराबर ही हुआ है अब क्या करता हूँ मेरा मन ये चाह रहा है करने के लिए अब कि मैं ये एस को इधर से लिखना शुरू कर दूँ इसको एक तो एस था एक और एस मान लीजिए नया एस ही है ये मान लीजिए पहली इक्वेशन है इसको तो पहली इक्वेशन कर दूँ इसमें पहली इक्वेशन मान ली मेरा मन चाह रहा कि एस को क्या कर लिखता हूँ इधर से लिखना शुरू कर दूंगा दिक्कत तो नहीं तो क्या जाएगा बोलने यहाँ लिख के एन सी एन साइन एन एक्स प्लस एम सी एन माइनस वन साइन एन एक्स माइनस वन इंटू एक्स कॉस एक्स है जी प्लस क्या जाएगा एन सी क्या जाएगा एन सी एन माइनस वन एन सी एन माइनस टू क्या जाएगा साइन एन माइनस टू इंटू एक्स और क्या जाएगा ये कोस एक्स अब आगे क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स अब टू ये भाई साहब क्या आएंगे सभी शुरू में एम सी वन साइन एम सी वन साइन एक्स कोस एक्स माइनस वन एक्स ये तो आएगा जी क्या कह रहे भाई मैं समझे नहीं क्या कह रहे हैं पहली लाइन में देखो साइन टू एक्स नहीं रखा है आपने कहाँ पहली लाइन में कहाँ एन सी टू में देखो इसमें क्या एन सी टू ये वाला साइन टू एक्स लिखा है ये ये क्यों पता नहीं तुमने क्यों लिखा अरे भाई मैं इधर से लिखना शुरू करा आपके इधर से देखो देखो इधर इधर देखो एन सी एन ये पहले क्या आएगा सबसे सीमा एन सी एन फिर अब क्या आएगा इसके बाद में एन सी एन साइन एन माइनस वन एक्स कोस फिर इससे पहले इससे इधर क्या आएगा हाँ कोस एन माइनस टू ठीक है क्या आएगा भैया हाँ क्या आएगा बोलो ऊपर कहाँ कहाँ बताओ जल्दी बताओ कहाँ नहीं पता कहाँ ठीक है शाबाश कोई बात नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हाँ तो बात में आ गई भाई कोई दिक्कत तो नहीं चलो लिखने में इधर भाई साहब क्या आ जाएंगे एन सी वन साइन एक्स कोस एन माइनस वन एक्स क्या आ जाएगा एन सी वन साइन एक्स बोलो कुछ और रह गएगा बोलो हैं अभी गलती है बोलो बेटे
कुछ बोल लिया नहीं, इसमें बड़ी अच्छी बात है, सही में तो आ रहा है, एक ही सवाल में कोई दिक्कत नहीं बोलो। ये सेकंड लाइन फर्स्ट और सेकंड है जी, थर्ड लाइन में बोलो, थर्ड टर्म है, एक दो तीन चावा सारी गलती हो गई सवाल में, बिटक रखी हो गया ना, ठीक है यहाँ तक बात नहीं मांगी, चलो कोई ठीक है यार, कुछ टेक्निकली गलती है वैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक नहीं है, लिखने में गलती है, सवाल बिल्कुल ठीक चल रहा, ठीक नहीं है, ये कोई जो कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये तो तुम करना पड़ेगा, ठीक है भाई। आगे बात नहीं, देखो कि मैथड हो रहा है, ठीक हो रहा है यहाँ, अब क्या करता हूँ देखो भाई, अब तुम्हारे लिए ये सवाल, एक ये एन सी आर क्या होता गया है, इसमें एक फॉर्म लगेगा, देखो एन सी आर, एन सी आर क्या होता है, ये फॉर्म रट लेना, फैक्टोरियल एन क्या बोलते हैं, अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, इधर तो बात नहीं आएगी, रट लोगे तो, ये फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता है कि जैसे एक से लेकर दस तक गिन, एक से लेकर दस तक नंबर गुना करना है, या एक से पाँच तक गुना कर लो, क्या कर लो, एक दो तीन चार पाँच, इसी में लिख सकूँ मैं, पाँच गुना चार गुना तीन गुना दो गुना एक, यही तो इसे बोल सकता हूँ फैक्टोरियल फाइव, बात नहीं होगी, फैक्टोरियल का मतलब एक से लेकर आठ तक के मल्टीपल, याद बात करूँगी। अब जैसे मैं कह लगता हूँ सिक्स सी टू की वैल्यू होता हूँ, तो क्या जाएगा सिक्स सी टू की वैल्यू आई, बोलो इसमें फैक्टोरियल एक सिक्स अपॉन फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल और सिक्स माइनस टू, फैक्टोरियल सिक्स अपॉन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फोर, ठीक है, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ये टू और ये फोर थ्री टू वन, ये टू इंटू वन कर लो, इसे टू आ जाए, इसे काट फाट देंगे, वही आगे आगे सुनो, फिलहाल इतने से काम चला रही, यही इसका, ठीक है भाई। एक फॉर्मूला और होता है एन सी आर का भी, जो मैं लगाऊंगा, अगर कहीं एन सी आर है, एन सी वो कहें के बराबर होता है एन सी एन माइनस आर, ये लगाऊंगा भी, क्या लगाई मैंने, एन सी आर यानी कि ये एन सी आर, इसमें से ये माइनस करके दोनों बराबर आते हैं, दोनों इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो जैसे सिक्स सी टू, जैसे सिक्स सी टू, सिक्स में टू जाके क्या बचेगा, तो सिक्स सी फोर की वैल्यू बराबर होगी, ये कहना चाहेगा, सही बात है, उतार लो भाई, थोड़ा उतार कर फिर देखे लंबा था नहीं, दोनों पड़ेगा उतार लिया, लिख ही लिया फर्क तो नहीं पड़ा, वो दिया छोड़ दिया था ना, लिख ही लिया है, बताना चाहूंगा भाई,
पहले ये तो भाई आप फॉर्म पे भाई आप ये फॉर्म काट लिया आपके लिए स्पेशल तौर पे यदि आप ही रह जाओ इसमें ये नहीं पता है ये पहले आपके लिए है ये दोनों काम देखो भाई क्या करता हूँ मैं नहीं कोई बात नहीं मैं तो नई बात तो करता ही नहीं मैं देखो भाई ये देखो एन सी एन है ये क्या है एक मिनट के लिए देखो एन सी एन माइनस एन क्या बच जाएगा एन सी जीरो लिख सकूँ दिक्कत तो नहीं इसको लिखा देखो एन सी ये कॉम्बिनेशन से मांगे इतना तो ये कॉम्बिनेशन है साइन एन एक्स कोस जीरो एक्स फिर आगे क्या आ जाएगा भैया एन माइनस वन ये आएगा एन माइनस वन एन माइनस एन प्लस वन आ जाएगा ये क्या जाएगा बोलो एन सी वन क्या जाएगा एन सी वन एन सी वन क्या जाएगा साइन एन माइनस वन एक्स कोस एक्स है बाबू जी प्लस क्या जाएगा ये एन सी एन माइनस टू क्या जाएगा वो एन सी टू क्या जाएगा बोलो साइन एन माइनस टू एक्स कोस टू एक्स फिर बता रहे यहाँ पे कुछ डाल के मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आया आ गया हाँ ये है ना ये वाला एन सी आर इक्वल टू एन माइनस सी आर उतारो फिर से लिख दो देखो भाई ये कहेंगे बराबर है भाई ये दिक्कत नहीं थी ये कहेंगे बराबर है मान लिया ये तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी ये कौन सी है मान लिया सेकंड है ये दोनों क्या कर दूंगा मैं ऐड कर दूं एडिंग फर्स्ट एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड लिख सकती नहीं आई भाई एस और एस कितना जाएगा इन दोनों में क्या कॉमन है एन सी जीरो एन सी और फिर बाहर कॉमन आगे अंदर क्या बच जाएगा ये बोलो साइन जीरो एक्स कोस एन एक्स प्लस प्लस साइन एन एक्स प्लस कोस ये तो आ जाएगा भाई इन दोनों में से क्या कॉमन है इन दोनों में से एक और लिख लूँ एन सी वन कॉमन लेके क्या बच जाएगा भाई दो साइड हो जाएगा मेरा आज भी लगा क्या जाएगा बोलते साइन एक्स कोस एन माइनस वन एक्स साइन एक्स कोस एन माइनस वन एक्स प्लस क्या जाएगा कोस साइन एन एक्स कोस एन माइनस एक्स क्या जाएगा वो बोलो क्या जाएगा कोस जल्दी बताओ कोस क्या जाएगा कोस एन एक्स साइन एन माइनस वन एक्स ये आ जाएगा भाई आ जाएगा बोलो ये आ जाएगा एक्स एंड सोन है ये देखो क्या फॉर्म लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी
पढ़ा था कभी ये साइन ए प्लस बी, साइन ए कितना जाएगा ये, साइन एन एक्स आ जाएगा ये कुछ और आएगा। ए की जगह क्या है जीरो, बी की जगह क्या है एन एक्स, तो जीरो एक्स प्लस एन एक्स, एन एक्स ही नहीं आ गया। बोलो भाई आइन मरीन सुन होगा। देखो एक फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये तो होता है यानी ए और बी के एंगल जो है बस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यही नहीं रखा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ए की जगह वैल्यू कितनी है मैं रखना नहीं चाह रहा था, जीरो ले भाई अब तो समझ में आ गया, अब भी नहीं समझा जीरो ले ले डायरेक्ट छोड़ दे डायरेक्ट एक बात है, तो जीरो प्लस एन एक्स कितना आ जाएगा भाई, तो साइन जीरो प्लस एन एक्स साइन एन एक्स नहीं आ गया, क्या लिखा था डायरेक्ट मैंने अब आगे सुनो ठीक है दिक्कत तो नहीं। इसमें क्या जाएगा भाई ये तो सारी ब्राउन का था एक छोटा सा हो गया जी, प्लस क्या आएगा एन सी वन, इसमें भी देखो क्या आएगा साइन ए साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, यहाँ भी साइन एन एक्स आ जाएगा इससे के लिए मैं भी साइन एन एक्स आ जाएगा भाई, तो सारे कट कटते कटते फटते रहेंगे वो तो सारे हैं, अब तो नीचे का मिटो दूँ तो मिटो दिया तो जी नहीं ये तो मिटो दो ना ये वाली, ये तो कह रहा भाई मैं। अब देखो तो 2s एस इक्वल टू कहाँ इक्वल हो गया भाई, 2s एस इक्वल टू एन सी जीरो साइन एक्स एन सी वन साइन एक्स एन सी टू साइन एक्स प्लस एन सी थ्री साइन एन एक्स, ये तो आ जाएगी ये नहीं आ जाएगी समझ में, साइन एन एक्स मैं से कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा ये एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी थ्री एंड टू एन एन सी एन साइन एन एक्स। बाबू जी रटने की बात नहीं है आप, एक लाइन की तो ज़्यादा दिए रखी और दो से भी, देखो भाई ये फॉर्मूला कहाँ का हो गया भाई, भाई मैं फिल्म बता दो कहाँ का फॉर्मूला है ये वाला, कोई बता था क्या मुझे नहीं कह का फॉर्मूला है डायरेक्ट होता हो यू एक्स प्लस ए की पावर एन वो एक्स प्लस वाई की पावर एन कह का फॉर्मूला ये, अरे ये नहीं पढ़ा तुमने, ये तो बायनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, पढ़ा नहीं देखो बायनोमियल थ्योरम में क्या नहीं आया तुम्हें, ना तो एक्स है ना एक्स वाई कब नहीं होते अगर क्या ना हो क्या होंगे सिर्फ बताया था मैंने वन है यानी एक्स भी कितना है और तो सारी जीव की दुनिया दिएगी और चीज सब जीव की दुनिया है बस फॉर्मूला होता है ये एक्स प्लस वाई की पावर एन बताया था इतना तो फॉर्मूला बताया था यार एक एक मैंने सुनवाई ये तो होता है फॉर्मूला एक्स की वैल्यू ना तो यहाँ एक्स है ना एक्स वाई कब नहीं लिखते दोनों क्या होना चाहिए वन तो एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू और वन की पावर वन कितना आ गया अभी नहीं बात कितना आ जाएगा टू की पावर एन साइन साइन एन एक्स टू एस इज इक्वल टू इसे डिवाइड कर दूंगा भाई इट इम्प्लाइज दैट एस इज इक्वल टू क्या आएगा टू की पावर एन माइनस वन साइन एन एक्स, ये कितना अच्छा सवाल है अभी नहीं एकदम आ गई साइड में थोड़ा लेंथ इज गॉलिंग था कॉन्सेप्ट थोड़ा ठीक ठाक है भाई, ये जब टू के उसके नीचे लाऊंगा टू की पावर पॉइंट टू आएगा और टू की पावर वन वहाँ आया डिवाइड कर दूंगा आगे सुनो देखो भाई तुम इसे रट लेना क्या है एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी एन की वैल्यू
टू की पावर एन होती है रट लिए थे बिल्कुल सब रटेंगे थे, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है। ठीक है भाई, क्या होता है इसकी वैल्यू? टू की पावर एन पर रट हो गया। ठीक है, फिलहाल इतना ही काम चल जाएगा। आगे हो गया भाई। बड़ा सवाल था है। क्या हो गया? पेन नहीं है ये? पेन नहीं, पेन है का दफा की लास्ट है। अब है बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। निकाल लिया? कोई बात नहीं, जितने मिटो दो ये वाली। क्या है टॉपिक? क्या है? बाइनोमियल एक्सप्रेशन यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बाइनोमियल एक्सपेंशन यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ा होगा भाई, ए प्लस आई बी फॉर्म में। ये मतलब ए आई ओटा भी पढ़ा था? ये पढ़ा नहीं? ये भी नहीं पढ़ा? देखो पढ़ा नहीं, पढ़ रखा अभी नहीं तो पढ़ रहा नहीं, तुमने पढ़ रखा। तुम कह रहे मैंने पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं पढ़ा था, तुम भी कह रहे पढ़ा नहीं भाई। मैं झूठी झूठ तो भेज नहीं, चीज ना यार तो बहुत है। देखो आयोटा नहीं पढ़ा, देखो सुनो बात मैं बता रहा हूँ। मोटी मोटी बात क्या है, दो नंबर हैं जैसे हमने रियल पता नहीं दुनिया भर के नंबर पढ़ रखे हैं। एक नंबर होता है कम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा होती है, जिसमें लगता है उसे कम्प्लेक्स नंबर के हैं। और आयोटा की वैल्यू कितनी होती है भाई? कितनी होती है? इतना पढ़ लो, इतने से काम चल जाएगा, इतना तो पढ़ ही लिया। ठीक, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल है एक इमेजिनरी। ये नंबर कुछ होता नहीं, इमेजिनरी मानना हो कैसा मानना हो। इसलिए जिसमें आयोटा होता है उसका क्या पार्ट्स होता है? वो इमेजिनरी। और ये क्या होता है? रियल। दो पार्ट्स होते हैं, रियल और इमेजिनरी। और इमेजिनरी को अगर हम यू लिखते हैं आई एम, आई एम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब लिखा हुआ इमेजिनरी। अगर आर ई लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या होता है? रियल। कोई कंप्रेस इतना तो पढ़ ही लिया, और यही यही आज यही इस्तेमाल होगा, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होगा। आगे बढ़े भाई। yes,
इसके लिए फॉर्मूले हैं, इसके लिए तीन फॉर्मूले आते हैं, तीन फॉर्मूले हैं। पहले इसके लिए कौन से फॉर्मूले लिखो भाई, अगर मान लिया ये किस फॉर्म में क्यों एक्सपेंड करवा रहा है, ए प्लस आई बटा बी की पावर एम या एन जो भी होगा है, लिखो कॉस एन थीटा इक्वल टू कॉस एन थीटा इक्वल टू एन सी जीरो कॉस की पावर एन माइनस थीटा कॉस की पावर एन माइनस थीटा कॉस की पावर एन थीटा माइनस एन सी टू कॉस की पावर एन माइनस टू थीटा। जी फॉर्म है जी, लिख तो ये सही है। अब तुम नई बात पढ़ोगे या मई चलते रहोगे भाई, स्कूटी से चलानी नानू मार्केट में भाई है नी। प्लस ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस एन सी फोर कॉस की पावर एन माइनस फोर थीटा साइन की पावर फोर थीटा। अब तो एक टर्म फोर लिखा अब आगे क्या है, किस फॉर्म में था ये शोकल का था, ये शिकल का तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नहीं था कॉस थीटा प्लस आई उल्टा साइन थीटा, ये नहीं था, ये तो था है तो ये नहीं। कॉस थीटा किसका रियल पार्ट का ये है, कॉस एन थीटा और इमेजिनरी पार्ट का ये आई बात है। इसके दो हिस्से कर ले रखो, ये जीरो वन ये रखा, टू रखा, थ्री रखा, फोर ये रखा, भाई यहाँ रखा, सिक्स ये रखा, सेवन ये रखा, दो हिस्से हैं। मेरा मन क्या कर रहा है, फिर एक और मेरा मन चाह कि मैं इससे से डिवाइड कर दूँ भाई, इससे से डिवाइड कर दूँ, टेन बना ना मुझे साइन क्या जगह डिवाइड करके क्या जगह मान ली। तो फर्स्ट इक्वेशन है, फॉर्मूला बनाओ, ये भी सेकंड है, वो फॉर्मूला बनाओ तो क्या जगह बोलो, टेन एन थीटा साइन एन थीटा अपॉन कॉस एन थीटा इक्वल टू क्या जाएगा बोल लो भाई, क्या जाएगा जो तुम आ जाएगा जो तू लिख दी एक बार कभी भाई मान लेना होगा, एन सी वन कॉस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा माइनस एन सी थ्री क्या हो गया
इक्वल एज एन सी फाई कॉस एन माइनस फाइव थीटा साइन की पावर फाइव थीटा एन सी सेवन कॉस की पावर एन माइनस सेवन थीटा साइन की पावर सेवन थीटा एंड नीचे क्या जाएगा भाई, नीचे भी लिख रहे हो क्या जाएगा बोलो। एन सी जीरो शाबाश शाबाश एन सी जीरो एन थीटा कॉस की पावर एन थीटा के एन सी टू कॉस की पावर एन माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन सी फोर कॉस की पावर एन माइनस फोर थीटा साइन की पावर फोर थीटा थीटा फिलहाल से एंड फोर काम चल रहा है। यहाँ से बात नहीं आगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या की वैल्यू आती है भाई, टैन एन थीटा टैन कितनी आ गई है लेकिन थोड़ी कोई दिक्कत तो नहीं है तो टैन एन। अब देखो मेरा क्या काम, एक और मन चला देखो मेरा करने के लिए थोड़ा सा साथ देंगे भाई ये बेटे देखो इसमें डिमोट वही लगा लेते हैं, इसमें एक थ्योरम लगती है क्या आ जाएगा, इसकी एंगल ने बताया था मैंने क्या जाए कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा की वो थ्योरम होती है, डिमोट थ्योरम कहते हैं। तो क्या बोलते हैं इसकी पावर जो एन है वो एंगल में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, फिर जो है कॉस एन थीटा की इसमें मैंने कंपेयर कर रखा है इस तरह करके, ये भी रियल की रियल से इमेजिनरी की ये जो आई होगा इस आई कट जाओगा जब जो कंपेयर करेंगे ये है वो चीज़। अभी रखूँगा भी एक सवाल में ठीक है, फिलहाल तो ये रखो कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर एन हो तो क्या जाए डिमोट थ्योरम से कॉस एन एंगल की इसमें मल्टीप्लाई होगा आपका पावर में क्या जा साइन एन थीटा, ये क्या कहलाता है डिमोट। फिलहाल तो देखो ये है मेरा मन चाह रहा है लिखने के लिए, यहाँ तो बात समझ आ गई कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं कुछ कॉमन ले लेता हूँ इसमें, क्या कॉमन ले लेता हूँ भाई, मैं ऊपर से कोस की पावर एन माइनस थीटा सारे में से कॉमन ले लूँ इसमें से कोस की पावर एन माइनस थीटा कॉमन ले क्या बचेगा कोस एन माइनस क्या क्या बचेगा इसमें कोस की पावर एन थीटा कॉमन ले लिया इसमें से, इसमें से क्या कॉमन ले लिया ऊपर से क्या बचेगा यहाँ कोस इनवर्स थीटा है ये तो यानी वन अपॉन कोस थीटा कह दो चाहिए थे नहीं आई आई नहीं आपकी क्यों आई कोई बात नहीं। देखो भाई मैंने क्या कहना चाह रहा ये कोस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा, मैंने ये कहा कि इसमें से कोस की पावर एन थीटा कॉमन ले लो, कॉमन का मतलब क्या होता है बेटे कॉमन जब ले लेते हैं कॉमन लेने के बाद एकदम उसके नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, बताया था ना कल परसों मैंने भी, तो किस क्या कॉमन लिया मैंने कोस की पावर एन थीटा, तो कोस की पावर एन थीटा डिवाइड करूँगा इसे तो फिर क्या आ जाएगा कोस की पावर एन थीटा डिवाइड करके क्या आ जाएगा भाई तो ये भी पावर है ये भी पावर कोस की है, अब ऊपर वाले पावर क्या हो जाएगी तो ऊपर क्या आ जाएगा एन माइनस वन माइनस एन जुड़ जाएंगे क्या जाएगा बोलो एन माइनस वन माइनस एन एन से तो कोस की पावर माइनस वन थीटा नहीं जाएगी कोस की पावर माइनस वन थीटा और कोस की पावर माइनस वन थीटा को कौन वन कौन कोस थीटा नहीं लिख सकता भाई बोलो इधर क्या थी ये तो क्या जाएगा साइन थीटा कौन इसकी वैल्यू कितनी हो तो एन सी वन टेन थीटा लिख लो कोई दिक्कत तो नहीं बोल लो भाई साइन क्या बताऊँ भाई लाइन क्या बात या फिर लाइन लिखो जो कि तुम हटके अच्छा ये तो ऑर्डर कर दो नहीं फाउंड का
ये तो आलू पानी फिर आपकी जगह ज़्यादा गिरी सा हो गया सवाल है। ये दोनों फॉर्मूले ये दो लाइन तालो कम से कम ये मैं मिटूंगा नहीं फिर आगे से जाएगी एक बार है। ये फॉर्म ले भाई इसका ये रट लेना तो ये सोचते की तरह ये सोचते इधर रट लेना है लिख लिया वो क्या करता हूं मैं देखो भाई क्या करता हूं इन दोनों में से सारे में से कॉस की पावर एन थीटा कॉमन लेता हूं इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से ठीक। जब कॉमन लेता हूं कॉमन का मतलब होता है ए ये लिख लेता हूं मैं ये ब्रैकेट ये तो होता है भाई अब तो समझ होगी बात। जब इससे फिर क्या करता हूँ जो मैं बाहर लिख लेता हूँ उससे नंबर से डिवाइड करता हूँ ये तो होता है जैसे अगर भूल गए हो जब कोई एक और है मैं कहता हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स इसे उठे तुम घट कर भाई नवी नाइन भी लिख रखते दोनों क्या कॉमन है भाई यूँ एक्स भी लिख देता है यूँ ब्रैकेट एक्स से ए एक्स को भाग डिवाइड ये तो कह रहा था यानी भाग कम नहीं करता ए एक्स अपॉन एक्स इस एक्स एक्स जा रहे नहीं बचे था क्या बचे था ए अगे प्लस तो तुम्हारा यो आने रहा यो भी तो ऐसा ही नहीं है। जब कोस की पावर एन थीटा कॉमन ले लिया ये इसके नीचे आएगा भाई तो क्या आएगा यहाँ कोस की पावर माइनस वन थीटा नहीं बचेगी ये कोस की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर माइनस थीटा ही तो है कोस की पावर एन से कोस एन जाए कोस की पावर माइनस वन थीटा नहीं बचेगी बोलो क्या बचेगी कोस की पावर माइनस वन थीटा और साइन थीटा यहाँ क्या बचेगी भाई और एन सी वन भी बचेगा भाई एन सी वन भी भूल गए जो कहाँ जा रहे हमारे घर जा गई है माइनस एन सी थ्री क्या आएगा बोल लो कोस की पावर माइनस थ्री थीटा साइन के क्यूब थीटा आगे प्लस देखो है ना प्लस माइनस प्लस ये भी ध्यान रखना आएगा सारी बात के सारी ध्यान रखनी क्या आएगा एन सी फाइव कोस की पावर फाइव थीटा साइन की पावर फाइव थीटा एंड सोन भाई इतने से काम चलते यहाँ तक बात नहीं आ गई नीचे अब भी नहीं बात होगी नीचे क्या करता हूँ नीचे मैं कोस की पावर एन थीटा कॉमन ले लेता हूँ सारे में से कोस की पावर एन थीटा कॉमन लिया क्या बचेगा भाई एन सी जीरो शाबाश वन बचेगा यहाँ तो माइनस क्या बचेगा एन सी टू जो कुछ आएगा बोलो क्या आएगा यो कोस हाँ कोस माइनस वन कोस माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा कोस माइनस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा आगे प्लस एम सी फोर यहाँ क्या बचेगा कोस बोलो माइनस फोर थीटा साइन फोर थीटा भाई तो नमूने के तौर पर बतेरे चावल से दे लगे यार और देख जाओ मैं तो बतेरे देख लिया ना
यानी कि एंड फोन सारी चले जाएंगे, ये तो बात ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इस कोस और एन थीटा से कोस और एन थीटा को काट दूँ, ये दावत हो गई। फिर क्या बचा, ये तो मिटो की लाइन, यही कहा था मैंने मिटोने के लिए। इसने तो इसकी दावत कर दी है, ये क्या बचेगा, एम सी वन एम सी, ये वन अपॉन कोस थीटा भी तो है भाई, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या कितना पड़ जाएगा, टेन थीटा, और एम सी वन ना भूल जाइए, एम सी वन टेन थीटा क्या आएगा बोलो, माइनस एम सी थ्री टेन क्यू थीटा, शाबाश आगे मार तो आगे सवाल भाई, एम सी फाइव टेन और फाइव थीटा एंड फोन है, कितनी चीज़ें आगे नीचे क्या आएगा भाई, एम सी जीरो आगे एम सी टू टेन स्क्वायर थीटा, एम सी टू टेन स्क्वायर थीटा, फिर आगे एम सी फोर टेन की पावर फोर थीटा एंड फोन, ये कह रही कोई चल रहा भाई, ये फॉर्मूला है यार, ये अब बन गया देखा, तो आदमी सा बन गया फॉर्मूला एकदम बढ़िया था, याद हो जाएगा दोनों फॉर्मूले, बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं तीनों, है सही है भाई, यूज कहाँ होगा उसका, इसके भी देख के ये आपने सवाल फॉर्मूले याद करें, फॉर्मूला का यूज कहाँ होता है, एरिया का जो है फॉर्मूला है रेक्टेंगल के लेंथ इनटू ब्रेथ, तो पता ही होगा कहाँ इस्तेमाल होता है, एरिया निकालने के लिए होगा, जहाँ भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर में डी और थ्योरम में इसका कोस एन थीटा साइन एन थीटा का कोएफिशिएंट निकाल लूंगा, इसका लेंगे या सीधा ये फॉर्मूला जो है जो लिखा है ना मैंने कोस एन थीटा का लिखना हुआ, सिर्फ कोस एन थीटा लिखूंगा, क्यों मैं लिख के आगे सवाल करूंगा मैं आपके, इसके बिल्कुल 100% के सवाल करूंगा, बिल्कुल सही कहा आपने, आज ही है ना कल मेरा टाइम मिल गया तो आज ही क्वेश्चन दूंगा आपकी किताब में भी आए सवाल, आर डी से उसमें भी लूँगा आज सवाल, डायरेक्ट रखूँगा, अगर ये जो है ना कोस एन थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्ट वो रखूँगा एक जगह वो आएगी मैं पैसे सीधी रहेगी चलती चलती चलती, मैं सीधा क्या डायरेक्ट रख लूँगा उसकी जगह कोस एन थीटा रख लूँगा, वहाँ इस्तेमाल होगा, ठीक है बच्चे, बड़ी अच्छी बात, हमने कहा जल्दी दिमाग तुम्हें खराब हो रहा है, अगर वैसे ही मकान पर कैसे चल रही हो, लिख लिया भाई। यस सर। अब लिखो एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा है तो लंबा था ये, और सारे सवाल थोड़े लंबे थे ये, हैं लिखो, इफ टी नॉट टी एफ टी वन, इफ टी नॉट का मतलब ये वाला, इफ टी नॉट नीचे वाला, इफ टी नॉट कोमा टी वन कोमा टी थ्री अप टू टी एन, अप टू यानी टी नॉट टी वन टी टू अप टू टी थ्री अप टू टी एन आर द
represent the term, represent the term expansion of x plus a की पावर n, a की पावर n, x प्लस a की पावर, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of सवाल क्या है, सवाल समझो पहले। सवाल कह रहा है ये कि जो T1, T2, T2, Tn आर द रेस्पेक्टिव टर्म, ये टर्म है टी नोट का मतलब पहली टर्म, T1 का मतलब T3 का मतलब ये पढ़ा हुआ तुमने, एक ही में प्रोडक्ट आया T3 में चौथी पांचवी का n टर्म, किसके एक्सपेंशन में ऑफ x प्लस a की पावर n। यहाँ तो बात सुन आ गई, अगर ये हो तो इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, यही तो है भाई सवाल, किसके एक्सपेंशन में दे रखी है, जिसमें x प्लस a की पावर n के एक्सपेंशन में दे रखी है, इसे x प्लस n की पावर का एक्सपेंशन क्या होता है भाई बोलो, mc0 आगे x की पावर n mc0 x की पावर n प्लस mc1 x की पावर n माइनस 1 आगे a प्लस एम सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू ए का स्क्वायर mc3 ये जाएगा भाई, ये तो फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं लगा हुआ है, देखो ये मैंने कहा दो टर्म्स का होता है एक्सपेंशन, ये देखो x पावर घटेगी ठीक, और a की पावर क्या होती है, देखो a की पावर यहाँ 0 है 1, 2, 3, 4, ये तो बताया था मैंने, भी ये बता रखा तुम्हें, ये बता रहा देखो ये 0 सीरीज है 0 mc0 1 mc2 mc3 mc r तक के लिए, चाहे n तक के लिए बाद में mcn कर लो, ज़्यादा करोगे तो अगर n तक जाएगा तो ये अगर आठ तक लेना है तो आठ से लास्ट टर्म तक के अच्छे अंत तक लेना है तो एन तक ही, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, अब बाई चांस ये कह रहा है ये तो टी मोट है, ये टी वन है, ये कितनी है टी टू है, ये टी थ्री है, अब टू दिक्कत तो नहीं, कोई नहीं कोई नई बात तो नहीं बताई भाई, आसानी था ये इतना तो कर सकते तो मेरे पीछे भी, मेरा भी ना बताए हम कर नहीं सकते, मैं अब क्या करता है मेरा मन, अभी मैंने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है कि ए की जगह रिप्लेस ए आई कर दूँ, क्या कहा मैंने ए की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ,
आयोटा ये कहें जीते हैं, आयोटा अच्छा लगे। रिप्लेस क्या लिखेंगे, रिप्लेस ए बाई आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा भाई, एक्स प्लस आई ओटा ए की पावर एन के करो, क्या आ जाएगा भाई देख के बताइए, फाइनल लिखूंगी लाइन करिए, लिख ले लिख लो भाई हैं, क्या कह रहे हैं फिर एक्स प्लस आयोटा ए लिखो, नींद आ रही, क्यों रात जागे थे, फिल्म देखी थी रात हैं, फिल्म देखी होगी यहाँ जमीन का, देखो एक्स कर लोगे भाई तो बोलो क्या आ गया, लिख तो बोल लो तो क्या आ जाएगा, मैं सोचा रहा हूँ आपकी लाइन लिखवा दो तो मुझे डायरेक्ट ही मेरा काम ही यहीं हो जाएगा, आगे ना बढ़ना पड़े, मैं तुम सोचे मेरे भरोसे ये करते हैं है? जिस तो भाई एक वो आता है वो चुटकुला आता है ना देखा, कि अगर तुम जो है सच बोलोगे, क्या बोलोगे, सच बोलोगे तो तुम्हें जो है मैं 100 रुपया दूंगा, है सुना भाई, एक आदमी था मैं चल मैं कभी झूठ बोल लूँगा मैं, जैसे मतलब वो जीत लिया करता है या तो 100 रुपया ले आया करे, 100 रुपया दिया करता वो है, तो उसने कहा भाई चल भाई तेरे सवाल, अब जैसे ये है आगे ना जी मेरे सवाल पूछो और मैं जीत जाऊँगा, इतना झूठ बोल लूँ मैं, बोलता ही नहीं सच है, मैं बताओ भाई भारतीय प्रधानमंत्री का नाम अब कौन होता, मैं हूँ झूठ बोल रहा हुआ है, फिर उन्होंने खड़ा हो गया, उन्होंने बताओ भाई मैं जैसे कह रखा हुआ ना बिल्कुल भी नहीं, झूठ कह के थे वो झूठ बोलने गए, शर्त थी कि 5 सवाल पे होता, कितने पे थे 5 सवाल पे, तो उसने कहा भाई हमारे ऊपर आसमान है, अगर नहीं आसमान कहाँ, अगर आसमान के तो ऊपर मैं हूँ, तो वो सारा झूठ बोलते चला गया इस तरह ही, ठीक हो गई 30 सवाल, अब उसने कहा ले भाई 5वां सवाल, उसने कहा 5 में नहीं 4th होगा, ना ये तो तू सच बोल रहा ये तो सवाल था, मैंने तो भी 3 ही पूछे, मैं लॉस हो गया, चल ठीक आ गई सुनने बात, चलो करो ये करो, ये तो सवाल था, उसने सच बोलने का सच बोलने का, चलो भाई नहीं करके दिखाऊंगा भाई, फिर से तुम मतलब नींद आ रहे हैं, बाल का दिला रखा इसे जो, हाँ ये खोजी थे वहाँ तो नीचे देखे ना टंकी से कर दें, पहले कर देते हैं पहले, जब प्राचीन काल में भारत में क्या पढ़ते थे बच्चे पढ़ते थे, तुमने देखो एक एक वो जो है बाल से छोड़ देते थे, नहीं कि पहले देखा छोड़ देते, अब भी छोड़ देते हैं वैसे, हाँ तो उसमें क्या करता, उसमें धागा बांध के एक कटवे से होते थे जैसे पंखे के हैं, तो उसमें लगा देते थे रात को, उससे अगर नींद आ गई थी तो बड़ा दुख था, तो सीधा ही उड़ा जाता, नहीं तो यूँ नींद आ गई जैसे तो सोएगा नहीं, जैसे झटका लगा वो रुक के दिया था, फिर छीता था उस पर पहले बजाज बहुत कर रहा था, अच्छा सो रहा होगा दिख गया तो जो रुक के था ये तो वो सीधा सेंटर में आ गया था, क्या कह रहे, हाँ तो जो रात में जागेंगे भारी भारी तो होगी, ये भी खत्म हो गया सर, मतलब अच्छा मैंने इसका बैन भी खत्म हो गया, मैंने कहा भाई तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी भाई, देखो ये क्या आ गया, देखो भाई एम सी जीरो एम सी जीरो क्या आ गया, पावर एन प्लस एम सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन आयोटा ए प्लस एम सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू आयोटा ए का स्क्वायर एम सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री आई ओटा, इससे बड़ा तो नहीं कर सकता यार, एम सी फोर एक्स की पावर एन माइनस फोर आई ओटा ए की पावर फोर, हाँ तो बात नहीं आ गई, देखो भाई एम सी जीरो जीती तुम एम सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए आई ओटा शुरू आई ओटा जुगा तू ये है
प्लस एन सी टू भाई साहब एक्स डॉट एन माइनस टू तो बड़ी दिक्कत पैदा कर दिया आपने। आई स्क्वायर ए स्क्वायर क्या आएगा? आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है भाई? माइनस मैंने बताई थी ना भाई, यही कंप्लेन तो आपने पढ़ा की कंप्लेन नंबर आप कैसे आते नहीं तो मैंने आपने बताया भाई, ये तो सोच ही रहे सो रहे अभी तक के। क्या गया, क्या आएगा माइनस के, माइनस के बोल लो ए स्क्वायर ठीक, प्लस क्या आएगा ये आयोटा, आयोटा क्यूब ए क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आती है फिर माइनस आई, तो क्या आएगा माइनस आयोटा एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री ए का क्यूब है ठीक। आगे क्या आएगा एन सी फोर एक्स की पावर एक्स की पावर एन माइनस फोर, ये आयोटा की पावर फोर की वैल्यू कितनी होती है वन, ए की पावर फोर, ए की पावर फोर, यहाँ तो बात सुना आ गई। अच्छा इसकी वैल्यू है तो कितनी रहेगी, इसकी वैल्यू तो टी नोट होगी, टी नोट नहीं होगी, ये टी वन होगी, ये कितनी होगी टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, बोल लो एक बार क्या क्या हो जाएगी टी नोट, हाँ टी वन आई वोटा टी वन, ये कि भूल गए नींद आ रही थी नहीं दिख रहा है क्या आएगा माइनस आयोटा, अब इसमें आयोटा है कहाँ भाई, तुम ज्यादा जाग रहे हैं, ये टी टू है फिर आगे माइनस आयोटा टी सी है भी थोड़ा यार कभी कभी जोड़ लो कभी, ये फिर क्या आएगा टी फोर फिर माइनस आई उठाएगा यार तब तो देखते हैं तो गली होनी चाहिए फिर आगे एक बार और टी नोट टी टू प्लस माइनस, यहाँ तो बात नहीं होगी भाई टी सिक्स में है ना, देखो आई की पावर सिक्स की वैल्यू माइनस वन होती है आई इसके तो कर लूंगी ज्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ तो बात नहीं होगी भाई, अब मैं क्या करता हूँ इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे कर लूँ भाई, मेरा मन चाह रहा टी नॉट माइनस टी टू प्लस टी फोर माइनस टी सिक्स, दिक्कत तो नहीं भाई, उतार लिया थोड़ा था ये तो स्वाद उतार लिया वो तुमने yes, sir. उतार लिया था ये पहली लाइन में तो तू ये भी उतार लिया होगा yes, ये भी उतार लिया होगा भाई है, ये तीनों लाइन कार्ड उतार लिया था अजय आपने सारा उतार लिया, मैं इनकी बात कर रहा हूँ हाँ इधर उतारने भाई बस ये सोच जा रहा सोचता है ना यार अपनी सर जब सर समझाते हैं जब मैं लिखती हूँ जब सर बोलते हैं जब लिखती हूँ देखो भाई ये तो है लिखा हुआ है तो कोई नई चीज नहीं है, है? ये तो बहुत बार लिखते हैं बुढ़े हो गए भी लिखते लिखते हैं तो क्या आ गई वैल्यू इसकी, वैल्यू क्या आ गई बोलो टी नोट, बोलो टी नोट माइनस टी टू पहला क्या ना करो बोलो या एक तो आ जाएगा भाई इधर से है yes, इधर से क्या आ जाएगा आयोटा कॉमन लेके टी वन माइनस टी थ्री यार देखो ना तुम देखो माइनस है तो भाई मन हो जाएगा एक दिन की देर में माइनस टी थ्री प्लस टी फाइव माइनस टी सेवन सर आयोटा भी है सर फाइव के साथ में बाबूजी सब गए अच्छी बात है इस पर ध्यान देना चाहिए देखो ये कहें के बराबर चल रहा था भाई ये देखो रटने वाली बात नहीं मेरी एक छोटी एक बात करते हैं अगर तुमने मॉडुलस पढ़ा होगा कहीं अगर ये ए प्लस आयोटा बी है इसका मॉडुलस क्या आता है भाई सर इमेजिनरी
हाँ मैंने बताया था प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर रूट और ए ये कहना चाह रहे ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा भाई ये नहीं बताया ठीक और इसका क्या कर दूं मैं अच्छा इसका मॉडुलस ले लूं क्या ले लूं इसका मॉडुलस क्या जाएगा इसका बोल लो दोनों टेकिंग टेकिंग मॉडुलस ऑन क्या कर दूं बोथ साइड भाई इसका क्या जाएगा मॉडुलस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस स्क्वायर की पावर आयोटा तो भाग जा देखो ये भगवान दिया था इन्होंने इन्होंने आयोटा बोल रहा था कहीं तुमने इन्होंने बोल रहा था ठीक है इज इक्वल टू देखो ये भी देखो एक नंबर है नंबर तो ये भी एक ही है और ये भी एक ही है तो है जैसे मोटा था भाई हो जाए बड़ा था भाई तो रहता ही है वो रहता नहीं तो ठीक है तो ये भी नंबर ही भाई लंबा था ही तो हो गया था तो इसका रियल पार्ट कितना है बोलो टी नॉट माइनस टी टू प्लस टी फोर माइनस टी सिक्स का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा प्लस एंड सो ऑन आ जाएगा ये का स्क्वायर प्लस क्या जाएगा टी वन माइनस टी थ्री प्लस टी फाइव माइनस टी सेवन का स्क्वायर और सारे का क्या आ जाएगा रूट भी आएगा है भाई कहाँ रूट कहाँ तक आएगा यो वहां तक आएगा दूर तक है भाई अब देखो ये रूट मुझे बुरा सा लग रहा है बहुत बेकार सा है रूट किस तौर से गया स्क्वायरिंग वो साइड ये कहा तुमने कहा मैंने नहीं कहा देखो भाई है क्या लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या आ जाएगा बोल दो ये क्या जाएगा इधर क्या जाएगा भाई एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन ये बता रहे सिनेमा आ गया तुम्हारी किस तरह आया आपकी सिनेमा आ गया आपकी आपकी भी आ गया भाई ये तो हट जाएगा स्क्वायर भाई ये क्या आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर एन इधर से ये भाई साहब हट जाएंगे क्या जाएगा टी नॉट माइनस टी टू प्लस टी फोर माइनस टी सिक्स का होल स्क्वायर प्लस टी वन माइनस टी थ्री प्लस टी फाइव माइनस टी सेवन का देखिए यही नहीं प्रूव करवा रहा इसकी वैल्यू कितनी होगी एक्स स्क्वायर देखिए यही नहीं प्रूव यही बताते इसकी वैल्यू कहाँ के बराबर होगी इसकी वैल्यू कहाँ के बराबर होगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एल की देखो यही बात हुआ देखो पढ़ना क्या कह रहे यूनि है हैं देखा नहीं अरे इसमें तो x प्लस a की पावर है n हैं x प्लस a की पावर n है सर क्या सर क्वेश्चन में जो स्टडी वो फाइंड द वैल्यू ऑफ हां तो इसकी वैल्यू पूछा कितनी वैल्यू होगी इसकी वो तो इसके एक्सपेंशन में है इसकी वैल्यू इसके टर्म्स इसके टर्म्स इसके एक्सपेंशन में दिए हुए हैं ये यो x प्लस a की पावर n के फॉर्मूले लिख खोल देता भाई ये यस सर हां जी वो तो कह रहा कि सवाल क्या है कि देखो सवाल क्या है सवाल समझो कि T1 इफ T0 T1 Tn आर द रेस्पेक्टिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n यानी कि ये हिंदी में समझो उसको ये T0 T1 T2 ये पद दिए हुए हैं x प्लस n x प्लस a की पावर n के प्रसार में x प्लस a की पावर n के प्रसार में यानी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ये दिए हुए और प्रूव करना है ये T नोट माइनस T2 प्लस T4 माइनस T6 की पावर का स्क्वायर प्लस T1 माइनस T3 प्लस T5 माइनस T5 एंड सोन का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू क्या होगी अब मैंने जब वो x प्लस a की पावर n का फॉर्मूला इधर लगाया था भाई वो n सी जीरो x प्लस a n की पावर n लगाया था मैंने फिर a की जगह a a i रिप्लेस कर देता x प्लस ये नहीं करता
अभी बात नहीं, प्रूव नहीं करना वो, तो कह रहा है x प्लस a की पावर n के प्रसार में है ये पद, पर सवाल तो देगा ही कुछ ना कुछ, अब भी नहीं बात बोलो आगे बढ़ते आगे। देखो भाई ये तो नीचे कहीं टोल भाई yes, अब क्या करना है तुम्हें, इसका फॉर्मूला खोल लो, x प्लस वाई की पावर n, फिर वही फॉर्मूला x प्लस वाई की पावर n, इसका फॉर्मूला क्या आता है भाई, खोल सके कोई बाइनोमियल थ्योरम से ही बोलो, खोल लिखते भाई, लिखते तो भाई लिखते एन सी जीरो डाउन लिखो, देखो इसका भैया फॉर्मूला तो अब तो समझ गए होंगे थोड़ा बहुत, तो खोलना भैया खोल लो उसका, क्या आएगा एक्स की पावर एन प्लस एम सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई, तेरा खोल लोगे खोल लिया भाई सबने खोल लिया, अब तो बुढ़े हो गए थे लिखते लिखते। अच्छा भाई इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे यार, देखो जितने भी पावर होती है उससे प्लस एक टर्म्स होते हैं याद रख लेना, तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स आएंगे, अब देखो तुम्हें एग्जाम पे तुम्हारे लिए बता रहा मैं, जैसे तुम नहीं आए ए प्लस बी का स्क्वायर कितने, ये कितनी पावर है भाई, कितने टर्म्स आएंगे थे खोल के, और तीन तीन होगा प्रूफ। तो इसके अगर मान लिया मैंने ये एन इज इवन है, क्या कहा एन इज कितना है even. तो कितने टर्म्स आते हैं इसमें, ओड आएंगे, शाबाश। अगर ओड होता है तो उसका मीडियन किससे निकलता है बता दो, क्या कोई, मैं निकालना चाहता हूँ इसका पहले निकालना करना क्या चाहता हूँ, मैं मिडिल टर्म निकालना चाहता हूँ, पहले क्या निकालना चाहता हूँ मिडिल टर्म क्या होते हैं, मीडियन को मिडिल टर्म क्या है कुछ और क्या है, पढ़ा होगा मीडियन, पढ़ा नहीं किसी ने, अच्छा पढ़ा है, तो क्या होगा मीडियन, क्या होगा मीडियन है जी, ये तो अर्थमेटिक मीन हो है? देखो मिडिल टर्म क्या है, टू से डिवाइड करना हमेशा है मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कहां निकालते हैं, सेंटर टेंडेंसी में निकालते हैं, क्या क्या बोलते हैं केंद्र माप, क्या जैसे हिंदी में उसने तीन चीजें पढ़ी होंगी तुमने, क्या पढ़ी होगी याद है, बता रहा मैं है, बोलो बोलो
जब मैं तुम्हें तो बोल लो, जब मैं पूछू फिर चुप जाओ। देखो एक तो होता है अर्थमेटिक मीन, पढ़ा होगा समांतर मध्य, पढ़ा है याद आ गया। और क्या पढ़ा था फिर इसके बाद? मीडियन, जिसे माध्यिका कहें। सर आप स्टैटिक में तो होता है जी, और मैं क्या मैं कह रहा हूँ अर्थमेटिक मीन पढ़ा होगा, फिर क्या पढ़ा होगा? माध्यिका, फिर क्या पढ़ा होगा? मोड, बहुलक। ये तो तीन पढ़े होंगे भाई, यानी अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। मैं मिडिल टर्म मीडियन में निकालना चाहता हूँ, इसका जब मैं इसको एक्सपेंशन करूंगा तो इसका मिडिल, इसके एक्सपेंशन में अगर n है तो इसके एक्सपेंशन में n प्लस वन टर्म आएंगे टोटल, वो क्या होंगे? ओड होंगे। क्या होंगे? अगर ओड होता तो उसकी माध्य किससे निकलती है? अगर याद है किसी के फॉर्मूला क्या था? भूल गए? देखो भाई अर्थ, देखो अर्थमेटिक मीन का तो था फॉर्मूला, पदों का योग बटे पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म बोर्ड टोटल नंबर है। मीडियन के क्या था? मीडियन के दो दो केस थे, पहले देखते थे एन इवन है या एन, अगर एन इवन है या ओड है तो क्या निकालते थे भाई? अगर एन क्या है? ओड था, ओड के लिए क्या होता था फॉर्मूला? एन पाउन टू प्लस वन टर्म, तो वैल्यू ऑफ की इसकी वैल्यू। तो इसमें ही जो अगर एन इवन है तो इसकी क्या लिखेंगे? तो मिडिल टर्म क्या होगी? टी एन बाई टू प्लस वन। अच्छा अगर एन इवन होता, अगर ये, अगर इसके एक्सपेंशन में ये अगर एन कैसा हुआ होता, एन इज ओड होता, ओड होता तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म आ जाते? इवन आ जाते। और इवन होता तो उसकी मीडियन कितने टर्म्स होते थे? दो टर्म्स होते थे। कितने टर्म्स होते थे? आया कुछ हो, कौन कौन से होते थे वो दो टर्म्स बताओ, बताओ कौन से होते थे? अगर मीडियन निकालना होता था, अगर मान लिया पदों की संख्या विषय में, तो सीधा फॉर्म ले रहे थे एन बाई टू प्लस वन विथ टर्म्स। अब अगर एन पदों की संख्या सम है तो क्या होते थे दो? तो इसमें याद कर लेना दो टर्म होंगे n प्लस वन बाई टू, एक होगा n प्लस थ्री बाई टू टर्म, ये दो टर्म्स होंगे। कितने होंगे? कौन कौन से? n प्लस वन बाई टू एंड n प्लस थ्री बाई टू। यानी क्या समझे, क्या सवाल समझा? यानी कि x प्लस वाई की पावर n के प्रसार में इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई की m द मिडिल टर्म, इफ n इज इवन, इफ n इज तो टर्म मिडिल टर्म क्या हो जाएगी? एन बाई टू प्लस वन। इफ एन इज ओड, एन इज ओड है तो एक्सपेंशन में दो टर्म्स होंगे भाई। माध्यिका का वो होता था, वहां यू करता था मैं एन बाई टू वे टर्म्स का पद का मान प्लस एन बाई टू प्लस वन वे टर्म्स का मान बटे दो यू निकालता था, है याद है? ये दो लिखता था ये वाले, याद है? यहां भी हुई है वो दो पद ही निकले वो। तो क्या आएंगे? तो क्या आ गए? ये एन प्लस वन अपॉन टू एंड एन प्लस थ्री अपॉन टू। तो एक्स प्लस ए की पावर एक्स प्लस वाई की पावर एन के प्रसार में इफ एन इज इवन, अगर एन इज इवन है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? एन बाई टू प्लस वन। और अगर एन इज ओड है, इफ एन इज तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? एन प्लस वन अपॉन टू एंड एन प्लस थ्री अपॉन टू। निकाल लेंगे भाई, उतारो उसको। ये है मिडिल टर्म का फॉर्मूला, क्या है मिडिल टर्म का? ये तो बता दे क्यों हुई भाई, है क्योंकि अगर एन यो इवन है तो ओड आ जाएंगे ना टर्म, इसमें एक प्लस आता है इसलिए हो ये दो हैं। दोस्त चले गए भाई, गए हाँ, तो दोस्त पक्की नहीं है, क्या एक मिनट भी इंतजार करते हैं दोस्त भाई? पूरी रात रात खड़ा है, क्यों होता नहीं? दोस्त तो बहुत अच्छी हुए हैं, अभी बने हैं।
नहीं तो अगर भाई एक दोस्त का जीने है स्कूल में भागना, दूसरा दोस्त का चल अभी चल है क्या करे, दूसरा दोस्त रोक भी तो ले जा। हाँ रोक भी ले। सर हो गई छुट्टी। ठीक है ये भाई, मैं तुम्हें देखो एक दोस्त की बात बताऊंगा। ठीक है भाई आज के लिए इतना ही। भैया